नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं ने नहीं बल्कि खुद उनके विधायक ने ही धोखा दिया है। नीतीश का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है नीतीश का यह विधायक। दरअसल जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के साथ विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उसी विपक्षी एकता की हवा उनके ही विधायक ने निकाल दिया है। दरअसल तीन राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए तो जनता दल यूनाइटेड एक सीट पर बिहार से बाहर चुनाव जीती, तो जेडीयू के नेताओं को बड़ी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की साख और पहचान अब देश के दूसरे हिस्से में बढ़ रही है, लोग भरोसा कर रहे हैं भले ही संख्या में काफ़ी कम क्यों नहीं हो। लेकिन नीतीश कुमार और पूरी जनता दल यूनाइटेड के ऊपर जो जीत का जश्न और नीतीश का कद बढ़ने का खुमार था वो कुछ घंटों में ही खत्म हो गया, क्योंकि जीते हुए जेडीयू विधायक ने मुख्यमंत्री के शपथ के साथ ही नीतीश से नाता तोड़ लिया। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार ऐसे ही हुआ है कि जब जब नीतीश बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने निकले हैं खुद उनके ही लोगों ने नीतीश को धोखा दे दिया, साथ छोड़ दिया। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी पहले ही नीतीश से नाता तोड़ चुके हैं, नीतीश को धोखेबाज बता चुके हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और अब उनके विधायक ने सीधे तौर पर नीतीश से रिश्ता तोड़ लिया चुनाव जीतने के बाद। दरअसल ये पूरा मामला उन राज्यों की है जहां हाल के दिनों में चुनाव हुए और परिणाम निकलकर सामने आया। आपको बता दें कि नागालैंड में बीजेपी के समर्थन से पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेफू रियो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड एक सीट नागालैंड में जीती थी और इस जीत के साथ ही नीतीश कुमार की कद नागालैंड में बढ़ने की बात जेडीयू के नेता कर रहे थे। 60 विधानसभा वाले सीट पर जेडीयू को जहां एक सीट मिली थी वह भी अब वो सीट अब नीतीश कुमार के पास नहीं रही। दरअसल जेडीयू से जीते विधायक ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है, वो भी बिना किसी समर्थन का। हालांकि अब जेडीयू के विधायक ने नागालैंड में बीजेपी के साथ जाने पर जनता दल यूनाइटेड के जो नागालैंड प्रभारी हैं उनका कहना है कि यह विधायक का निजी फैसला है, इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले भी जब जेडीयू के नेता नागालैंड में चुनाव जीते थे तो वो बीजेपी के साथ चले गए थे। इसके पहले चिराग पासवान ने पूरी जेडीयू को ही कई राज्यों में समाप्त कर दिया था, पार्टी के कई नेताओं को वो अपने पार्टी में शामिल करवा लिए थे। उसके बाद कहा जा रहा था कि जेडीयू के जो मंसूबे हैं नीतीश कुमार को देश स्तर पर पहचान दिलाने की वो विफल चिराग करेंगे, लेकिन जीते हुए विधायक ने ही बता दिया है कि नीतीश कुमार की सोच उनके पार्टी के नेताओं पर अमल नहीं करती है, क्योंकि जहां बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार खड़े होते हैं वहीं उनके नेता बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।